हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल जो है मैं भी अपने गांव के अंदर साइड आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो है आज जितिया का बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। कहानी वगैरह और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीति रिवाज, पूरा पूजा पाठ वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है अंदर। तो चलिए पूरा व्यू वगैरह दिखाते हैं आप लोग, कैसा क्या है, पूजा पाठ वगैरह कैसा होता है जितिया में और कहानी वगैरह कैसे सुनाया जाता है। तो चलिए फिलहाल गाइस आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। तो फिलहाल गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पर जो है जिस घर में जितिया का पर्व मना रहे हैं वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं किए क्योंकि कुछ लोग आने के लिए बचे हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि एक ही बार स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, उनको जो है फूल वगैरह, ये दोनों बच्चियाँ फूल वगैरह देते जा रहे हैं ताकि जो है वो जो है जो कहानी सुनाएंगे तो उनके ऊपर छींट सके। और कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी सुनाते हैं जो कि सादरी भाषा में, हमारे छत्तीसगढ़ के जो जशपुर ज़िले की जो भाषा है सादरी भाषा में सुनाते हैं। और देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो गीत वगैरह और कहानी वगैरह बताते हैं। और यहाँ पर जो है अभी ईद जला रहे हैं पूजा पाठ के लिए दिया वगैरह। तो चलिए फिलहाल देखते रहिए आप लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और देखने में बहुत ही मज़ा आता है, सुनने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि साल में एक बार जितिया का पर्व आता है और जितिया की कहानी किसके नाम पर आधारित है वही बहुत ही अच्छी तरीके से पता है यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल देखते रहिए, अभी यहाँ पर दिया वगैरह तो जल गया दोस्तों, और आगे देखते हैं कैसा क्या कर रहा है, कैसे क्या सुनाया जाएगा आगे से सुनाएंगे सबसे। तो चलिए फिलहाल लोग वीडियो में बने रहिए। तो फिलहाल गाइस फाइनली जो है यहाँ पर जितिया की कहानी जो कि हमारी सादरी बोली में होती है वो स्टार्ट हो गई है। चलिए इसको सुनते हैं और आप लोगों को भी सुनाता हूँ मैं कैसा होता है कहानी इसका। चलिए फिलहाल आप लोग सुनते रहिए दोस्तों, और अब ये कहानी जो है थोड़ा लंबा ही होने वाला है, लगभग पूरा एक कॉपी का होता है छोटी कॉपी में। तो चलिए फिलहाल दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर जब बाद में फूल भी छीटा जाता है जो कि बहुत बेहतरीन तरीका है, बीच बीच में वो बताते हैं कब फूल छिटना है। चलिए सुनते रहिए आप लोग और एंटरटेन करते रहिए वीडियो को। और केवल वही बनाई कर बाकी भात खाएंगे, भाजी भात खाएंगे, लेकिन खाई पी कर एक घड़ी चावल के राजा घर पहुँचते थे। राजा अपन सर सिपाही मन के कारण देखा तो रे सर सिपाही मन सब रोक कर सुखल रही के कोई शक लगे तो कहना कि देखा तो रे रोड कर सुखा लिखे कि दूला लिखे कि सिपाही मन सुखा लिखे सिपाही मन चावल के सही के देखे तो कोई खाई के देखे। तब राजा रानी ब्राह्मणी से पूछे रोरे रोड रोड में सुखे ही कि बुलाई देखने सुखे बुलाई के सुखे देखने रानी ब्राह्मणी का देखने राजा कह रहे हैं कि सात दिन सात रात हर पानी बरसला रोरे कैसे रोड में सुखा। देखने रानी ब्राह्मणी कह रहे हैं कि सरकार मैं सूर्य नारायण भगवान की स्तुति के है ना, देखने राजा के विश्वास नहीं आला और सिपाही मन के कहला कि जवा तो रे सिपाही मन महाराज कर घर पता लगा। अब सिपाही मन गए न आंगन सुखल है कि भिंजला है, देखने सिपाही मन जाय के देखे तो सही में रानी ब्राह्मण कर घर पर आंगन सुखल है ना। तब राजा के आई के बताए कि सही में सरकार घर का आंगन सुखल है ना, फूल से दो देखने राजा कहा कि महाराज ने एक खड़ी दे रखा और तब रानी ब्राह्मणी एक खड़ी भूति चावल लाइन के अपन घर वापस चली।
तब ने कुछ दिन बीतते बीतते उनकर देह बदलत जाते ने के गांव कर आदमी मन देखें कि कहें देखे कहें कहे के लागला कि रानी ब्राह्मणी कर बदल कैसे बदलत है ना। ऐसे कही के गांव वाला राजा अरे दही के कैसे ने ने लेकिन राजा जी कहें कि रानी ब्राह्मणी जिन घबरा उनकर ले मोया हूँ दवा रानी ब्राह्मणी के कई के सुना है ना सिपाही मन के भेजना सेखन सेखन गांव वाला आई के रानी ब्राह्मणी के रानी ब्राह्मण राजा हमर से खबर भेजा है। तब इंदे कुछ दिन कर बाद में रानी पैदा हो गया हाँ, राजा के तुरंत खाना पीना सेवा सुसर करे के लगे सब व्यवस्था भेज दिले और उनकर छठी बर ही बड़े ठाट बाट धूमधाम से राजा कर ले है ना। तुलसी दो छठी बढ़ी है चला तो आप कुछ दिन कर बाद चार साल बीतते बीतते रानी ब्राह्मणी का लड़का तैयार हो गया से खने वो लड़का से पढ़े के लगे राजा ही व्यवस्था करे के लगे। अब वो लड़का ऐसे पढ़े के में मन लगा लग कि सब लड़का से अच्छा नंबर में निकला है ने। एक दिन सब संग हरमन आटा खेले गेला एक लागला कि आया मोरो ले आटा बनाए दे तो माय हर माटी कर आटा बनाए के देलक ने। तो उकर दोसर दिन स्कूल चल गेले और संग हरमन से आटा खेले के लागल स्कूल बटे स्कूल पढ़ करके शाम होला खाने सब संग हरमन अपन अपन कुमनी लोंडरा धैर के अपन अपन खेत में सके गेले ने। उनके देख के वो लड़का माय हर थन जय के कहे हाँ कहे के लागल लागल कि आया मोरो ले कुमनी दे मोहत से के दाम माय हर के कहते ने। से खन माय हर रोके खोल के दो से खन सूर्य नर भगवान पूछे कि तुम कौन ये मोर रात के दे रही उन्दे वो लड़का और सूर्य नारायण भगवान बतिया था इंदे गोटा देश दुनिया अंधकार हो गया उन्हें सूर्य नारायण भगवान के तो भेद दिलक हाँ अंधकार हो गया अंधकार कहे देखा देखा पंडित मन अपन अपन पंजी पत्र रखे जे कि सूर्य नारायण काले सूर्य नारायण भगवान काले नहीं उगत है देखने बड़े बड़े पंडित मने अपन अपन पंजी पत्र के खोल के देखाए मुंदे रानी ब्राह्मणी कर बेटा और सूर्य नारायण भगवान बात करत है कि मैं ही को रानी ब्राह्मणी कर बेटा